नमस्कार हमारे भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे बात करेंगे हम बीएड प्रशिक्षु को लेकर। आपको पता होगा साथी, ऐसे प्रशिक्षु जो थोड़े से शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, उनको एक तरह से पहले उनका हक नहीं मिलता था, यानी कि उनको एक तरह से जो अभी बीएड प्रशिक्षु हैं उनसे थोड़ा सा हट कर उन्हें देखा जाता था डीएसएसबी के कुछ कारणवश, है ना। तो इस प्रकार से एक डीएसएसबी एक तरह से बीएड प्रशिक्षु प्रशिक्षिका थी, उन्होंने एक तरह से रीट के माध्यम से मतलब उनके द्वारा एक तरह से अप्लाई किया गया सुप्रीम कोर्ट में फैसला कि भाई हमें भी एक तरह से सामान्य बीएड की तरह ट्रीट किया जाए, यानी कि हमें भी प्राथमिक में और टीजीटी में भी मौका दिया जाए। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला रहा निर्णायक रहा, और जो स्पेशल बीएड के कैटेगरी में आते हैं प्रशिक्षु, ऐसे प्रशिक्षु जो थोड़े से शरीर से विकलांग होते हैं तो उन्हें स्पेशल बीएड के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे प्रशिक्षु कह लीजिए भाई, वो भी सामान्य बीएड की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा। यह निर्णायक फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, यानी कि वह भी प्राथमिक में और टीजीटी स्तर पर सारे भर्तियों को और अदर राज्यों में भी भर्तियों को देख सकते हैं, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं, उसमें जॉब कर सकते हैं। और जिस प्रकार से एक बीएड नॉर्मल स्टूडेंट बीएड का होता है, सेम उसी प्रकार से इनको भी उसी नज़र से देखा जाएगा। इनके साथ भी कोई भी एक तरह से दुर्व्यवहार नहीं, मतलब एक तरह से अलग की भावना नहीं रखी जाएगी जो सामान्य बीएड वाले प्रशिक्षु होते हैं। धन्यवाद।